दोस्तों आज बात करने वाले हैं खिलाड़ी के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बारे में। दोस्तों इनसे जुड़ी कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग खास बातें हैं जो इस वीडियो के आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इनको सारी दुनिया अक्षय कुमार के नाम से जानती है। इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में हुआ था और दोस्तों इन्होंने अपना बचपन चांदनी चौक दिल्ली में गुजारा। उसके बाद दोस्तों अक्षय कुमार बम्बे आए और बम्बे में डॉन बॉस्को स्कूल और गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और दोस्तों मार्शल आर्ट्स में इनकी गहरी रुचि। बैंकॉक में भी मार्शल आर्ट्स सीखने गए थे। कॉलेज समय उन्होंने सेफ और वेटर का काम किया। बैंकॉक से सीधे बम्बे आकर अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट्स शिक्षा देना चालू कर दिया। उनका एक विद्यार्थी था जो एक फोटोग्राफर था। उनके एक विद्यार्थी ने कहा कि आप देखने में बहुत हैंडसम और मॉडलिंग हो, शायद आपको मॉडलिंग में अपना किस्मत आजमाना चाहिए। मॉडलिंग में जल्दी अक्षय को मौका मिल गया। मॉडलिंग के लिए उन्होंने 2 दिन शूट की और उन्हें इतने पैसे मिल गए जितना वो मार्शल आर्ट में सिखा कर भी महीने भर में नहीं कमा पाते थे। बस फिर क्या था, अक्की ने फैसला कर और मॉडलिंग के साथ वो निर्माता डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर के चक्कर काटा करते थे ताकि उनको कोई रोल मिल जाए। और इनको दोस्तों प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म रितार में हीरो का रोल मिल गया और दोस्तों इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म आज जो 1987 में रिलीज हुई थी एक मार्शल आर्ट मास्टर की छोटी सी भूमिका निभाई थी जो मात। और जब अक्षय कुमार को पता चला कि राजेश खन्ना जय शिवशंकर नामक फिल्म बनाना चाहते हैं और उन्हें एक युवा कलाकार की जरूरत है तो वो काका के दफ्तर पहुंचे। 2-3 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया लेकिन राजेश खन्ना उनसे मिले भी नहीं, चले गए। अक्षय कुमार आज भी कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सपने में नहीं सोचा था कि वो एक दिन राजेश खन्ना की बेटी से शादी करेंगे। बतौर हीरो सोमन 1991 में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की सबसे पहली और इनका नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में करने लालबन सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 1994 में तो इनकी 3-4 फिल्में नहीं बल्कि पूरी 11 फिल्में रिलीज हुई थी और ये एक तरीका एक रिकॉर्ड भी था जो किसी भी अभिनेता के नाम नहीं। और दोस्तों उनकी हाल ही फिल्म प्रतिभा चौहान आने वाली है। दोस्तों इस फिल्म के इन्होंने 80 से 90 करोड़ चार्ज किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लेकर बाय बाय।